नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर समाज का क्या हो? ये बात हम क्यों कह रहे हैं कि रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो इस बात को हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ एक पीड़ित है, वो पूरी अपनी कहानी दास्तान बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा एक इस जो मामला है इन्होंने अब तक हमें बताया है वो आपको ज़रूर बता दूं। तो मामला कुछ ऐसा है कि इनका कोई एक ज़मीनी विवाद है। उस विवाद में कल इन्होंने पुलिस को सामने से इन्होंने बुलाया, इनका ऐसा कहना है, इनका ऐसा आरोप है। और पुलिस आई, 112 पर इन्होंने कॉल किया था, पुलिस आई तो पुलिस ने आकर इनको मदद करने के बजाय इनके साथ के कुछ लोग थे, उसमें 3 लड़के थे, उनको बेरहमी से मारा। यानी कि इस समय हम वसई के डीएम पेटेड अस्पताल में मौजूद हैं और अभी भी यहाँ एक लड़का है, वो एडमिट है। डॉक्टर का ऐसा ओपिनियन है कि उसके कान के पर्दे जो है वो फट चुके हैं और उसके कान पे हथियार नहीं, हाथों से मारा गया, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया है। और ये मारने वाले कोई और नहीं, पुलिस कर्मचारी, पुलिस अधिकारी थे। अब सवाल ये है कि पुलिस को ये हक किसने दिया? एक अपराधी के साथ भी पुलिस मारपीट नहीं कर सकती है, तो जो बिना बात के, बिना सोचे समझे किसी के साथ पुलिस ने हाथापाई की या मारपीट की, तो उसके पीछे का क्या कारण है? इस पे आला अधिकारी जो है, क्या वो संज्ञान लेंगे? क्या जो पुलिस वाला इसके लिए जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई की जाएगी? और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। इनका ऐसा भी आरोप है कि इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। कल नायगांव पुलिस स्टेशन का यह मामला है। नायगांव पुलिस स्टेशन में इनका जबरन अंगूठा लिया गया दस्तावेज के ऊपर, ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं। साथ ही साथ जब पुलिस को मालूम पड़ा कि हम पुलिस की बात नहीं कर रहे, पुलिस प्रशासन पब्लिक के भले के लिए काम करता है, लेकिन कुछ लोग जो पुलिस की वर्दी पहनते हैं लेकिन हकीकत में वो एक माने में पुलिस न होकर अपराधी है, क्योंकि कानून में ऐसी कहीं पे भी आज़ादी नहीं है कि आप इस तरह से लोगों के साथ सलूक करो, बर्ताव करो। अगर इस तरह का कोई बर्ताव करता है तो फिर चाहे वो वर्दी पहना हुआ हो, वो अपराधी ही कहा जाता है। तो उन्होंने इनके ऊपर दबाव डाला और अब जब उनको ये मालूम पड़ा कि ये मामला शायद कहीं हाईलाइटेड ना हो जाए, तो वो उनको बार बार फ़ोन के तौर पर इनको एक तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला छोड़ दो या दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है, सुनते खुद इनकी ज़बान से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इश्तियाक खान है सर। यहाँ आप एक पेशेंट को लेकर आए, क्या मामला हुआ? मामला हुआ ऐसा सर कि मैं कल अपने साइट पे गया था, तो वहाँ मैंने 112 पे डायल किया, तो वहाँ पुलिस आई। पुलिस आने के बाद जो हमारे बंदे थे उनको लेके जाके उनको बहुत मारा, बेरहमी से मारा, एक का कान का पर्दा फट गया सर। आपका क्या विवाद है, आपने पुलिस को क्यों बुलाया? पुलिस के विवाद मेरा ऐसा है कि जगह मेरी है और जगह पे 2007 में लिया था, और लेने के बाद जो जगह मैंने फाउंडेशन मार के छोड़ दिया था, फिर अन्य अन्य लोग बिल्डर भेजता है, जाओ देखो वहाँ उसको परेशान करो, और परेशान करो तो भाग जाएगा यहाँ से छोड़ के। तो मेरे को दबाव बनाया जा रहा था, तुम कुछ पैसे लेके जगह छोड़ दो। मैंने बोला अभी ये जगह मैं छोड़ूंगा नहीं, इसमें कुछ मैं काम काज करके अपने लिए छोड़ूंगा, अपने भविष्य के लिए, ये मैंने सोचा था। ये जिसको मारा गया उसका नाम क्या है, वो आपका क्या लगता है? वो मेरा रिश्तेदार है, उसको बेरहमी से मारे और उसका नाम है सैफ नाम है। उसको पहले वहाँ पे 2-3 लाफा मारे, मारने के बाद गाड़ी में भर के लेके आए मेरे सामने, उसको गाड़ी से उतार के तीन बच्चे थे, तीनों को बेरहमी से मारे। कौन था मारने वाला, क्या नाम? वाक साहब थे और राठौर साहब थे, इन दो जन ने उसको बहुत मारा। फिर मारने के बाद अंदर ले गए, अंदर डंडे से मारा। आपने ऐसा भी आरोप लगाया, जब हम बात कर रहे थे आपने ये कहा कि आपसे किसी दस्तावेज के ऊपर अंगूठा लिया गया, वो क्या मामला? मेरे से ज़बरदस्ती अंगूठा लगवाए वाक साहब ने, ऐसा कैमरे के सामने बोले, कैमरा है कैमरे के सामने घसीट के मेरा अंगूठा लगवाए। क्यों? क्यों लगवाए कि नोटिस दे रहे मेरे को ज़बरदस्ती वहाँ से भगाने के लिए। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है मुझे न्याय मिलना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तहसीन है। जो बंदा अंदर सैफ नाम का जो पेशेंट एडमिट है, वो क्या लगता है आपको? वो मेरा भाई है। क्या हुआ उसको?
वो मेरे साथ 3:30 बजे थे अफ्तारी टाइम, मैं उसको लेके नीचे उतरी, मैं बोली जाओ रुबान को और सैफ को बुला के, रुबान को और कैफ को बुला के लेके आओ, नौकार टावर के पास थे। तो मेरा भाई जब गया वहाँ तो वहाँ राठौर बुलाया उसको और मारा, और फिर गाड़ी में भर के और लेके गया चौकी और वहाँ भी उसको बहुत मारा। क्यों मारा? अब मैं अपने भाई को भेजी थी, उसको मेरे दूसरे वाले भाई को बुलाने गया था, अब क्यों मारा ये मेरे को नहीं मालूम था, लेकिन लेके गया चौकी, उधर भी मारा और वो चौकी में भी मारा। अभी आपके भाई की परिस्थिति कैसी? उसके कान के पर्दे फट गए हैं। डॉक्टर का क्या कहना है? डॉक्टर यही बोलो, उसके कान के पर्दे फट गए हैं, लेकिन उसका कसूर क्या था, उसको मारे क्यों? आपकी मांग क्या है? मेरे को न्याय चाहिए बस। तो हमने जो पीड़ित है उसके सैफ नाम का लड़का यहाँ एडमिट है, उनसे बात, उनकी बहन से बात की, उसका आप विजुअल भी देख सकते हैं, वीडियो में आपको विजुअल दिखाई रहेगा किस तरह से वो यहाँ भर्ती है, उसके कान में वो तड़प रहा है, हमने भी देखा है। और उससे फिलहाल बात करने की हम सिचुएशन में नहीं कि उसकी बात आपको कैमरे पर दिखाई जाए। अब उसकी ये जो मेडिकल कंडीशन है, फिलहाल ऐसा कंडीशन है, इनके हाथ में ये रेफर पेपर है, ये यहाँ से इसको मुंबई शताब्दी हॉस्पिटल में रेफ़र किया जा रहा है। तो उसके कान में काफ़ी इंजरी हुई है और जैसा ये बता रहे हैं कि कान का पर्दा जो है वो डैमेज हुआ है, तो उसी डॉक्टर ने ऐसा बोला है, और डॉक्टर ने इनको यहाँ से शताब्दी अस्पताल में रेफ़र किया है। अब ये बहुत जल्दी यहाँ से इनको शताब्दी अस्पताल शिफ्ट करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है, अब ये मामले में जैसा हमने कहा आगे कि इसमें पुलिस का नाम आया, पुलिस का नाम सामने आया कि पुलिस ने इस तरह की, पुलिस की वर्दी में इस तरह की ये कारनामा हुआ है, इस तरह का ये अपराध हुआ है, उन्होंने बेरहमी से इनको मारा है। जाहिर सी बात है कि आज हम आपको जो खबर दिखा, ये खबर आज बनाने इसके लिए ज़रूरी थी कि आज एक पेशेंट है और वो पीड़ित है, उसको न्याय मिले, उसके लिए हमने दिखाई। इसी खबर का अगला एक पार्ट जिसमें इनके पास क्या सबूत है और किस आधार पर ये पूरा दावा कर रहे हैं, उसको लेकर हम जरूर आएंगे आगे अपने अगले चरण में, अगले कुछ दिनों में जब इलाज हो जाएगा और ये वापस आएंगे तब जरूर हम उसका पूरा खुलासा करेंगे। लेकिन हम ये एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमने पहले भी कहा कि पुलिस प्रशासन वो जनता के लिए है, निसंदेह जनता के लिए काम भी करता है, लेकिन कुछ लोग अगर इस तरह की हरकत करते तो उससे कहीं ना कहीं पूरे पुलिस महकमे का नाम खराब होता है, पूरा पुलिस महकमा बर्बाद, बदनाम होता है। तो आला अधिकारियों को चाहिए कि ऐसे मामले में संज्ञान लेकर जो कोई इस मामले के अपराधी या आरोपी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, और अगर इस तरह से पुलिस अपराधियों का साथ दे रही या ऐसे लोगों का साथ दे रही तो उन्हें भी चिन्हित कर उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।